हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ज़रा, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। 30 लोकेलिटीज़ का डाटा कलेक्ट किया गया है कि एयर में कितना SO2 का कंसंट्रेशन है। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास डाटा दिया हुआ है। फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। आपको मीन कंसंट्रेशन निकालना है एयर में। तो हम कैसे कर सकते हैं बच्चे, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 यहाँ से अब हम निकाल लेते हैं, अपनी मिड वैल्यूज़ निकाल लेंगे। इसके बाद मिड वैल्यूज़, ठीक है बच्चे। तो देखिए, हमें क्या है हमारे पास, 0.00, 0.00, 0.00 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24। ये हमारे पास डाटा है इसके। अब देखिए मिड वैल्यूज़, तो मिड वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो जाएंगी, देखिए बच्चे, दोनों को प्लस करेंगे तो 0.0 है, तो आपके पास 0.04 ही रहेगा। और 0.04 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो सीधा से 0.02 आंसर आएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि सीधा 0.0 तो एज इट इज़ रहेंगी और 2 2 जा 4 कट जाएगा, यहाँ से 2 2 जा 4, ये एज इट इज़ रहेगा, तो 0.02। अब नेक्स्ट देखिए, दोनों को प्लस करते हैं तो 0.04 0.08, दोनों को प्लस करते हैं तो 12 का 2 कैरी 1 गया यहाँ पर, इस तरीके से आ गया। इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो 0.6 ये आपके पास आ जाएगा, 0.1 तो स्टार्टिंग में जाएगा नहीं, तो 12 ले लिया तो 0.06, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से 0.06, ठीक है बच्चे, ये आ गया। अब हम देखो हर एक में कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.04 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो हम प्लस करते चले जाते हैं। 6 है तो 0.1 में यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 6 है तो 4 इसमें प्लस करेंगे तो 10, 0.1 में फिर 14, 0.1 में 14 है तो फिर 18, 0.1 में 22, ठीक है बच्चे। अब देखिए FI हमारे पास क्या गिवन है, FI है 4, 9, 2, 4 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। समीशन ऑफ FI हमारे पास गिवन है 30। अब हम निकालते हैं FI XI, क्योंकि ज़्यादा बड़ी फिगर नहीं है बच्चे, सीधी फिगर है, तो मैं इसी को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो 4 2 जा 8, तो 0.08, 6 9 जा 54, तो 0.54। अब देखो 9 10 जा 90, तो 0.90, 14 2 जा 28, तो 0.28, 18 4 जा 72, तो 0.72, और 22 2 जा 44, तो 0.44, ये आ गया हमारे पास। इसका हम समीशन ऑफ FI UI निकालते हैं। तो देखिए बच्चे कैसे निकालेंगे, 8 + 4 = 12, 12 + 8 = 20, 22 = 26, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, कैरी 2, 5 + 2 = 7, 7 + 9 = 16, 16 + 2 = 18, 18 + 7 = 25, 25 + 4 तो 29, कैरी 2, यहाँ पे सब जगह 0 है तो 2 + 0 तो 2 रहेगा यहाँ पर आपके पास। तो अब देखिए, हमने इसमें भी क्योंकि छोटी फिगर्स थी, एज्यूमिंग वगैरह नहीं लिया है, तो अब यहाँ से मीन निकालते हैं। X = इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ FI XI अपॉन में समीशन ऑफ FI, ठीक है बच्चे। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो समीशन ऑफ FI XI की वैल्यू है 2.96 अपॉन में 30। इसको जब आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि 2 तो जाएगा नहीं, फिर हमने शुरू में पॉइंट लगा देंगे तो 2 नंबर लेंगे 29, लेकिन वो तो फिर भी नहीं जा रहा है, फिर 0 लगा देंगे, अब 296 हो गया बच्चे। तो 30 से जाएगा तो सीधा 9 पे जाएगा, तो 9 3 जा 270, देखिए 296 आपके पास है, सीधा 9 पे गया है तो 270, यहाँ पे बच गया 26, तो ये 9 पे गया है। अब एक 0 पॉइंट लगाओ, एक 0 फिर लगा देंगे, तो यहाँ से आपके पास फिर से किस पे जाएगा, ये
70 है तो हम 8 पे जाएगा, लेकिन फिर अप्रॉक्सीमेट करके हम 99 करके ये हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।